तो हे गाइस, मैं हूँ केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप छत्तीसगढ़ के अंदर ऑनलाइन फ्रेंड जो है कि अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ही बताऊंगा कि जब भी आप ऑनलाइन अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर फ्रेंड डीजीपी ऑफिस से, तो आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन है इस वेबसाइट के अंदर जो आपका cgpolice.gov.in के अंदर, आप किस तरीके से इसका जो रजिस्ट्रेशन है, आईडी पासवर्ड यूजर नेम कैसे क्रिएट करेंगे फ्रेंड, इसी के बारे में हम लोग A to Z जानेंगे। तो फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे वीडियोस में विजिट किए हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आपका व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जरूर हमें लिंक पे जरूर क्लिक करके हमसे जुड़े फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करना है, आपको सर्च करना है यहाँ पर सीजी पुलिस। जैसे सीजी पुलिस सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा छत्तीसगढ़ पुलिस, police.government.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ डीजीपी ऑफिस का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड। ऑलरेडी मैं इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखी हुई हैं फ्रेंड कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं अप्लाई तो बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका वीडियोस बना चुका हूँ ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन सा किस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से सावधानी रखनी है, आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर 7-8 वीडियोज़ बना के रखे हुए अपने चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा कि कैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से सिटीजन लॉगिन पे आना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं CCTNS पे आपको आना पड़ेगा और फॉर सिटीजन के ऊपर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, ये ऑफिशियली आपको रीडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे पेज पे। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली जो सिटीजन सर्विस होता है वो हर एक स्टेट के लिए एक पेज होता है फ्रेंड, जैसे कि सीजी के लिए अलग बनाया गया होगा पेज, आपको इसी तरह के उड़ीसा के लिए अलग, झारखंड के लिए अलग, हालांकि वेबसाइट एक ही होता है लेकिन इसे रीडायरेक्ट किया जाता है पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन आपको दिखाई दे रहा होगा, यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड आप अपना जो सीजी पुलिस के प्रोफाइल के अंदर आप विजिट कर जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो है कि अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं ऑनलाइन, कैसे फिल करेंगे ऑनलाइन फॉर्म वहां से फिल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, वहां से सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रोफाइल के अंदर विजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड आपको यूजर नेम पासवर्ड आपको बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर क्रिएट सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इसी के बारे में जानेंगे क्योंकि यही आज का एजेंडा है हमारा, इसी चीज़ को बताना है कि कैसे आप यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं सिंपली तरीके से क्लिक कर दूंगा फ्रेंड। तो जैसे क्लिक करूंगा फ्रेंड देख सकते हैं आपके पास एक पेज ओपन होगा छत्तीसगढ़ पुलिस करके। तो यहाँ देखिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन, आपको अपना सिटीजन रजिस्ट्रेशन क्लिक करना फिल करना पड़ेगा फ्रेंड, तभी जब आप वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करके अपना लॉगिन हो पाइएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का। तो इसके अंदर फ्रेंड मैं बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हैं, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसके लिए भी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड, आप उसी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और उसका सर्टिफिकेट के अंदर देखिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल करेंगे, चाहे एड्रेस की रिगार्डिंग, आइडेंटिफिकेशन की रिगार्डिंग, आपके एजुकेशनल की रिगार्डिंग या फिर आपका कोई भी पर्सनल डिटेल है उसके रिगार्डिंग, जिस भी पर्सन का आप बना रहे हैं उसी का डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट किसी और के नाम से बना रहे हैं और आप वहाँ पर फॉर्म किसी और का फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट होना है आपका, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका एजुकेशनल प्रूफ हो गया, वो आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड के अंदर जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड के आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, वही नाम आपके जो आपका 10th का 12th का मार्कशीट है डिग्री में है वही नाम आपका सेम टू सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। और आपका जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, या फिर आपका पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इस सभी में जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी में नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा और
यहाँ पर डिटेल उसी को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपका जो नेम है और यहाँ पर जितने भी एस्ट्रिक साइन दिखाई दे रहे हैं सभी को फिल करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा उसको डालेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना सरनेम डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि आनंद यादव है, तो आपको आनंद फर्स्ट वाले पे डालना है और यादव सेकंड वाले पे डालना है। यदि सिंपली तरीके से ओनली आनंद है तो कायदे से तो आपके लास्ट नेम पे डालना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट नेम को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आप यदि सिंगल नेम है तो आनंद को आप यहीं पर से डालेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगा, उसके बाद ही जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, तो आप एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ जरूर दें। इसके बाद देखिए फ्रेंड ईमेल आईडी आपको डालना है, ईमेल आईडी भी आप फिल कर ही दें, ठीक है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी होंगे। इसके बाद फ्रेंड आईडी कार्ड आपको इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन सा आईडी कार्ड देना चाहते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज और राशन कार्ड और वोटर कार्ड। याद रखिएगा ये सब सभी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आएंगे फ्रेंड, जब आप ऑनलाइन अभी आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अपने प्रोफाइल के अंदर विजिट करके आप आवेदन करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो ये सब पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो भी आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर पैन कार्ड का आपको नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं एड्रेस, एड्रेस में फ्रेंड आपको हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, आपका कॉलोनी नेम है, मोहल्ला नेम है, ठीक है। इसके बाद विलेज है, कंट्री है, स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है और पुलिस स्टेशन है। ये फ्रेंड जो भी आप यहाँ डिटेल फिल करेंगे फ्रेंड आपके रेसिडेंस के हिसाब से ही आप फिल कीजिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आधार कार्ड के नाम से ही यहाँ पर फिल करें। आधार कार्ड में जो भी बैक साइड में आपका जितने डिटेल हैं आप उसको फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपके पास आ रहा है लॉगिन डिटेल का ऑप्शन, ठीक है। तो लॉगिन डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा, और ये जितने भी आप लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पास लॉगिन डिटेल है, यहाँ पास यूज़र आईडी है, तो आपको फ्रेंड यहाँ पास अपना यूज़र आईडी बना लेना है, क्योंकि यही यूज़र आईडी ही आपका लॉगिन आईडी होगा, क्योंकि वहाँ पास आप जब लॉगिन करने जाएंगे तो वहाँ पास आपको यूज़र नेम डालना पड़ेगा, तो आपने जो बनाया होगा उसी को फिल करेंगे, और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको ही आप वहाँ पास फिल करेंगे। तो यूज़र आईडी आप जैसे ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि आपका नाम आनंद है, तो आप यहाँ पर सिंपली तरीके से कैपिटल में आनंद लिखें और 007 बना सकते हैं, 009 बना सकते हैं, इस टाइप से आप बना सकते हैं। पासवर्ड याद रखिएगा फ्रेंड, पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का बनाना है, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स तक का आप बना सकते हैं, जिसमें कि एक आपका अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए और आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आनंद में कैपिटल ए होगा फ्रेंड, बाकी स्पेलिंग स्मॉल में होगा, एट द रेट लगा सकते हो, 1 2 3 या 1 लगा सकते हो आप, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो पासवर्ड फिल करेंगे इसी को आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए सिंपली तरीके से आप जैसे नीचे आएंगे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में फ्रेंड आपका यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल नेम, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे। और फ्रेंड आप अपना पूरा कैपिटल में नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि आनंद है तो आनंद लिख दीजिएगा कैपिटल में और ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब बात आते हैं फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं कैप्चा का, ठीक है। तो कैप्चा आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा उसको फिल करेंगे, और फ्रेंड जैसे ही आप इस फॉर्म पे, जैसे ही मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड देखिए क्लिक सेंड ओटीपी, ठीक है। तो सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था ऊपर में यहाँ पर, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, और जो भी ओटीपी आएगा फ्रेंड यहाँ पर आप इस ओटीपी को एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे सक्सेसफुल आपका एक बैनर आ जाएगा, जिसपे कि आपका सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सिंपली तरीके से फिर से मैं आऊँगा अपने ऑफिसियल पोर्टल के अंदर, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड फॉर सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा फ्रेंड देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन के ऊपर आ चुके हैं आपको, और यहाँ पर फ्रेंड आपका जो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल पे भी जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ जो आपने यूज़र नेम बनाया था उसको आप फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे,
और यहाँ पर कैप्चा फिल कर दीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप अपने ऑफिशियल पेज के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पर आपका नेम दिखाई देगा, आपका प्रोफाइल का नेम, और वहीं पर फ्रेंड आपको सिटीजन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। वहीं पर आप नया आवेदन कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो भी सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, सब कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से जो है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो आपका वेबसाइट है फ्रेंड, इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना जनरल रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड। मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।